आ रहा है देश में ही बना सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाकू विमान, जिसे देखते ही चीन पाकिस्तान जैसे देश थराने लगते हैं। बॉर्डर पर जिसकी मौजूदगी पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है। वायुसेना के इस लाड़के का इंतजार अरसे से हो रहा था और अब वह घड़ी आ गई है जब हिंदुस्तान एयरो लिमिटेड अटी 1 मार्च तक एयरफोर्स को LAC मार्क 1A लड़ाकू विमान सौंपने की तैयारी कर रही है। यानी कि जल्द ही यह लड़ाकू सुपरसोनिक विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा और आज ही तेजस MK-1A फाइटर जेट की पहली उड़ान 28 मार्च 2024 को बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में सफलतापूर्वक पूरी हुई। यह उड़ान करीब 18 मिनट की थी। कुछ समय पहले ही इस विमान में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC को लगाया गया था। DFCC का साधारण भाषा में मतलब होता है कि फाइटर जेट से मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल्स हटाकर उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस लगा देना, यानी बहुत सारी चीजें कंप्यूटर के हाथ में चली जाती है, वही विमान को पायलट के मुताबिक संतुलित और नियंत्रित रखता है। इस सिस्टम की वजह से रडर, एलिवेटर, एलिरॉन, फ्लैप्स एंड इंजन का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिकली होता है। फ्लाई बाय वायर कुल मिलाकर फाइटर जेट को एक आत्मसंतुलन देता है, स्टेबलाइज करता है और यह विमान को ज्यादा सुरक्षित बनाता है। यह फाइटर जेट वैसे तो तेजस MK-1 की तरह ही है, जिसमें कुछ चीजें बदली गई हैं, जैसे इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट, उत्तम ASA राडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, राडार वार्निंग रिसीवर लगा है। इसके अलावा इसमें बाहर से ECM पॉड भी लगा सकते हैं। मार्क 1 है, पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है, लेकिन यह आकार में उतना ही बड़ा है, यानी 43.4 फीट की लंबाई और 14.5 फीट की ऊंचाई। अधिकतम 250 के नॉर्मेटर HR की स्पीड से उड़ान भर सकता है। कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर है। वैसे इसका फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। यह विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन लगी है। हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइलें, बम लगा सकते हैं या फिर इनका मिश्रण कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना को 180 तेजस फाइटर जेट्स की जरूरत है। 83 LCA मार्क 1A के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। 97 और फाइटर जेट्स वायुसेना और लेगी। इंडियन एयरफोर्स मार्क 1A से पहले 823 तेजस फाइटर जेट मांगे थे, जिसमें से करीब 30 जेट्स की डिलीवरी हो चुकी है। इसके बाद बाकी 83 फाइटर जेट्स तेजस मार्क 1A होंगे, जो 2024 से 2028 के बीच मिलेंगे। ऐसे ही जेट अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, चेक गणराज्य, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, रूस, चीन, इटली और रोमानिया के पास भी हल्के फाइटर जेट्स की फ्लीट है। अब जानते हैं भविष्य में इसमें कौन से हथियार लगाए जा सकते हैं। एस्ट्रा MK-3 मिसाइल है, जिसका ट्रायल हो रहा है, जो हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल BVRAM है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकती है। इसकी गति 565.7 किलोमीटर है। इस मिसाइल की टेस्टिंग 2030 में एक बार हो चुकी है। यह सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन टारगेट की तरफ हमला करती है। इसमें रैम जेट इंजन लगा है। इसके अलावा टारा है, जिसका पूरा नाम टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन है। यह एक तरह का प्रिसिशन स्ट्राइक स्टैंड ऑफ वेपन है। इसकी रेंज 50 से 100 किलोमीटर है। यह एक गाइडेड हथियार है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगाया जाता है। ये 3 वजन में आता है। पहला 250 kg, 450 kg और 500 kg, और तीसरी नेजम MR। ये एक मीडियम रेंज की नेवल एंटीशिप मिसाइल है। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर होगी। इसकी गति 800 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस मिसाइल को देश के जंगी जहाजों और तेजस फाइटर जेट में लगाए जाने की योजना है। और चौथी रुद्रम, जो भारतीय वायुसेना की ताकतवर, सटीक और तेज गति की हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसके 3 वेरिएंट हैं, रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3। तीनों की लंबाई 18 फीट है। वजन अलग अलग है। रुद्रम 1 अधिकतम 25 kg वजन का वॉरहेड ले जा सकता है, 2 एंटी रेडिएशन अधिकतम 100 PPFs की ली, और रुद्रम 2 ग्राउंड अटैक मिसाइल 200 किलो वजन का हथियार ले जा सकता है। रुद्रम 1 की रेंज 150, रुद्रम 2 की रेंज 300 और रुद्रम 3 की रेंज 550 किलोमीटर है। और 5वीं सबसे ज्यादा खतरनाक, यह ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। इसका वजन 1.5 टन, लंबाई 20 फीट और व्यास 50 सेंटीमीटर है। यह दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करने वाली मिसाइल है। इसे कई वेरिएंट्स हैं, जिन्हें जमीन, पानी और हवा से दागा जा सकता है।
या 3,704 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से दुश्मन पर टारगेट की तरफ हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि इसका पहला बेड़ा पाकिस्तान के बॉर्डर बीकानेर में तैनात किया जाएगा। तेजस की खूबियों से दुनिया पहले से ही वाकिफ है, साथ ही यह दुनिया का सबसे हल्का और छोटा लड़ाकू विमान है। इसके 9 हॉट पॉइंट में खतरनाक बम लगाया जा सकते हैं और किसी भी मौसम के साथ किसी भी हालत उड़ान भर सकता है। असल में LCA तेजस मार्क 1A एडवांस वर्जन है। स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने की प्रक्रिया में तेजस को लगातार अपग्रेड किया गया। वायुसेना के पास पहले से ही LCA तेजस LCA मार्क 1 मौजूद है। LCA मार्क 1 लड़ाकू विमान 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और अब LCA मार्क A1 भी आ रहा है, जिसमें तेजस के मुताबिक कहीं ज्यादा गुना अधिक खतरनाक फीचर है। साथ ही तेजस की तुलना में इसमें 40 सुधार किए गए हैं, जिसकी वजह से उसका नाम पूरी दुनिया में छा जाएगा। सबसे खास बात तो ये है, इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी मटेरियल पूरी तरह से 90% इंडियन है। भारतीय वायु सेना लगातार अपने बेड़े को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए है। अभी तक वायु सेना का प्रयास मीक लड़ाकू विमानों को बनाने में रहा है, लेकिन ज्यादातर इन विमानों के क्रैश होने के कारण उनकी जगह स्वदेशी फाइटर जेट लड़ाकू विमानों को लाने की योजना बनी और तेजस उसी का नतीजा है। और 2025 तक मीक 21 लड़ाकू विमान वायुसेना के बेड़े से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह लेंगे देश में बने हल्के लड़ाकू विमान। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 33 LCA मार्क 1A फाइटर जेट खरीद की हरी झंडी दी थी और आगे भी 77 फाइटर जेट की मंजूरी मिल चुकी। LCA मार्क 1A को वेस्टर्न सेक्टर में तैनात किया जाएगा, जहां से यह पाकिस्तान पर नजर रखेंगे और जरूरत पड़ने पर उसको मुंहतोड़ जवाब देगा। पश्चिम क्षेत्र के जिन दो हवाई हड्डियों से मीक 21 उड़ान भरते थे, अब वहां से LCA MK-1A उड़ान भरेंगे। तेजस की इस एडवांस वर्जन में खूबियां तो बहुत हैं ही, इसके अलावा भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल कर लिया है। हल जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना को पहले 2-सीटर ट्रेनर संस्करण विमान डिलीवरी की दिशा में काम कर रही है। इस तरह भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास खुद लड़ाकू विमान बनाने और उन्हें तनाव करने की क्षमता है। और इन सभी कदमों को देखकर चीन पाकिस्तान में अब खलबली मच गई, क्योंकि तेजस मार्क 1 पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत पर अपनी बेवकूफ वाली चले चलता रहता है। लेकिन अब जैसे ही पाकिस्तान कोई बेवकूफ हरकत करेगा, वैसे ही तेजस मार्क 1A पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत का यह कदम पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।